Good afternoon, friends, and welcome to this press conference. During the last 3 years, the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises has taken a number of significant initiatives like online registration of MSME, online grievance redressal and monitoring system of MSME, India Enterprise Development Service to achieve the vision of Startup India, Stand Up India, and Make in India. Friends, it's our honor to have with us the Union Minister for MSME, Shri Kalraj Mishra ji. He will tell you the highlights of the initiatives and the achievements of his ministry. I extend a warm welcome to you, sir. On the dais, our Secretary MSME, Shri KK Jalan, Additional Secretary and Development Commissioner Shri Surendra Tripathi. A warm welcome to you both. Friends, as usual, the Honorable Minister will make his opening remarks. Then afterwards, we'll take questions. Please keep your mobiles on switch off or silent mode. And when you ask questions, please follow the points of order. Now, the Honorable Minister will address you. सबसे पहले मैं आप सब लोगों का अभिवादन करता हूं नमस्कार पिछले वर्ष भी मंत्रालय के उपलब्धियों के संबंध में आप लोगों के बीच में वार्ता हुई थी और इस बार 3 वर्ष व्यतीत हुए हैं मंत्रालय ने जैसे हमारे डीजी ने बताया कि कई उपलब्धियां किया है तो सही माने में 3 वर्ष के अंदर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में इस प्रकार की उपलब्धियां हुई हैं जिसके कारण आम उद्यमियों को कार्य करने में काफी सरलता का अनुभव हुआ है प्रधानमंत्री जी सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये कि अभी तक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के विशिष्ट कार्यक्रमों में सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री का जाना नहीं होता था लुधियाना में प्रधानमंत्री जी हमारे अधिवेशन में गए थे 18 अक्टूबर को था और उस कार्यक्रम में उन्होंने 2 योजनाओं को लॉन्च किया और वे योजनाएं विशेष रूप से समाज के एक तो समाज के जो गरीब तबके के हैं या अनुसूचित जाति जनजाति इस स्तर के हैं उनके अंदर भी एंटरप्रेन्योरशिप की मेंटेलिटी जागृत हो इसके लिए एससी एसटी हब की प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था और हमारे मंत्रालय की तरफ से काम प्रारंभ हुआ है दूसरा प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में लगातार जहां मैन्युफैक्चरिंग हब मेक इन इंडिया स्किल इंडिया इसकी बात करते थे वहीं उन्होंने जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट की बात की जेड की बात की जेट मैच्योरिटी असेसमेंट सर्टिफिकेशन इसके लिए उन्होंने घोषणा की थी और वहाँ उन्होंने लॉन्च किया और उसकी नोडल एजेंसी के रूप में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया उसको सुनिश्चित किया वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं लगभग 2200 यूनिट हमारी हैं जिस पर ये काम हो रहा है और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया उस दिशा में आगे बढ़ रही है तो प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई के प्रति कुछ और घोषणा की और घोषणा किया जो क्रेडिट कैपिटल लिमिट थी हमारे यहाँ 1 करोड़ की थी 1 करोड़ पर
कोलेटरल फ्री लोन लिया जा सकता था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, इसको बढ़ाकर 2 करोड़ करना, और 2 करोड़ लिमिट किया, और ये भी कहा कि अभी तक तो बैंक ही फाइनेंस करता है, इसके लिए इसी स्कीम के अंतर्गत नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी फाइनेंस करेगी, और उसके लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड स्कीम है हमारे मंत्रालय की, स्कीम के द्वारा हम गारंटी लेते हैं, और इसलिए उस क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड स्कीम में भी फंड की कमी थी, 2500 करोड़ था, उसको बढ़ाकर 7500 करोड़ किया, और इस 3 वर्ष के अंदर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड स्कीम के माध्यम से, आपके पास आंकड़े हैं लेकिन मैं बता रहा हूं, 61000 करोड़ की क्रेडिट के आधार पर 13 लाख से ज़्यादा यूनिट्स को फायदा पहुंचाया, और इसके पहले जो फायदा पहुंचा था वो फायदा 8000 यूनिट्स को पहुंचा था, और उसमें केवल 1000 करोड़ के क्रेडिट के आधार पर इतनी स्कीम्स को फायदा पहुंचाया था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है जो माइक्रो स्मॉल कंपनी के रूप में, तो इसमें प्रधानमंत्री जी ने हमारे सरकार ने 50 करोड़ के नीचे के टर्नओवर वालों को, जहां 30% का टैक्स का था उसको कम करके 25% कर दिया, 5% कम होने के कारण 96% कंपनीज को इससे फायदा हुआ। इसके अलावा जो उपलब्धियां हुई हैं, रजिस्ट्रेशन के प्रश्न पर लोगों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती थी, और उसको प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात के अंदर भी कहा था कि उद्यमी आते हैं और कहते हैं भाई रजिस्ट्रेशन कराने में बड़ी तकलीफ जाती है, तो उसको हमारे मंत्रालय ने सुविचारित तौर पर ये तय किया कि कौन कौन सी क्वेरी उद्योग उस लाभार्थी से करनी है, उसको संकलित करते हुए 1 पेज का बनाया, उसमें 20 पॉइंट रखा, ऑनलाइन किया, और उद्योग आधार ज्ञापन वेब पोर्टल के आधार पर उसको प्रारंभ किया, और उसमें पूरे भर देंगे 5 मिनट के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। और आप जानकर प्रसन्न होंगे कि इस कार्यक्रम के, इस इनिशिएटिव के पहले जो रजिस्ट्रेशन की यूनिट नंबर था वो 47 लाख था, केवल साल भर के अंदर 31 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए, ये एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है। उसी ढंग से जो यूनिट्स एनपीए हो जाया करती थी, और छोटे उद्योग जब एनपीए होते हैं तो उनकी क्या दुर्दशा होती है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, बड़े उद्योगों के लिए तो उसके समाधान के लिए प्रक्रियाएं थीं, लेकिन हमने इसका नोटिफिकेशन किया, ये फ्रेमवर्क फॉर रिवाइवल एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द इंटरप्राइजेस, और उसमें 3 महीने के अंदर अगर वो उद्यमी नहीं पैसा कुछ भी जमा करता है तो उसको एनपीए घोषित कर दिया जाता था। तो इसमें ये हुआ कि अगर एनपीए होने की संभावना उद्यमी को लग रही है तो कहेगा कि मेरे बारे विचार करो, बैंक विचार करेगा, अब उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ गाइडलाइन के आधार पर जब हमने नोटिफिकेशन किया तो रिजर्व बैंक इंडिया ने उसके लिए गाइडलाइन दी, उस गाइडलाइन के आधार पर 10 लाख का जो लोन होगा उसको शाखा प्रबंधक विचार करेगा, और 10 लाख के ऊपर के लोन के बारे में करेक्टिव एक्शन प्लान कमिटी ये विचार करेगी। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, इसमें आंकड़े के आधार पर एक 41,417 यूनिट लाभान्वित हुए हैं,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सिक्योरिटी घोषित करता है 5 लाख के आसपास सिक्योरिटी घोषित है, उसमें भी रिवाइवल की जितनी यूनिट्स की संभावना है ये भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनके बारे में विचार हो सकता है। ये सारी इनिशिएटिव, फिर हर चीज ऑनलाइन हो इस बात को सुनिश्चित किया, हमारी योजनाओं को लोग अच्छी तरह से जाने इसको भी सुनिश्चित किया, और उसमें उसमें एक माई एमएसएमई ऐप मोबाइल ऐप ये किया, उसमें डाउनलोड कर लीजिए, हर प्रकार की योजना इसमें प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ फाइनेंशियल फैसिलिटेशन सेंटर्स एनएसआईसी के माध्यम से चलता है, इसमें आराम से उद्यमी को ऑनलाइन है ये, उद्यमी को इस पर जाएगा लोन मिल जाएगा। ये फाइनेंशियल फैसिलिटेशन सेंटर्स इसके माध्यम से भी होगा और 10 स्थानों पर पूरे देश भर में इसे केंद्र बनाए हैं। इसी ढंग से जो ग्रीवान से नो डिले पेमेंट का प्रश्न है, नहीं जल्दी होता है, केसेस चलते रहे हैं, लोग परेशान हो जाते रहे हैं, तो उसके लिए ये फैसिलिटेशन काउंसिल ये सुनिश्चित किया गया, पूरे देश भर में 49 हैं, स्टेट लेवल पर ये उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें बड़ी परेशानी जाती थी, उसको भी ऑनलाइन किया, और उसको ऑनलाइन करने के पश्चात वो तो होता ही है, लेकिन एक अलग से जो पब्लिक ग्रीवांस है उस पब्लिक ग्रीवांस को ऑनलाइन करते हुए पब्लिक ग्रीवांस रिडेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम इसको किया, और इस ये वेब पोर्टल पर आपको जानकर प्रसन्नता होगी शिकायतें आई हैं, सभी शिकायतों का समाधान हुआ है, 30 शिकायतें शेष रह गई हैं वो भी पूर्ण अभी तक जो मुझे जानकारी है ये पूर्ण होगी। ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, हमारा मंत्रालय एम्प्लॉयमेंट को सृजित करने वाला है, रोजगार बढ़ाने वाला है, उद्यमिता बढ़ाने वाला है, इस दृष्टि से भी हमारे मंत्रालय ने ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना इसके माध्यम से हमने जो कार्यक्रम चलाया इसके अंदर ये 3 वर्ष के अंदर 1,45,420 इकाइयाँ स्थापित की गई, जिनमें 11 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला है। पिछले 3 वर्षों के अंदर जो बजट 3,440 करोड़ था, 2016-17 के दौरान ये 1,280.91 करोड़ रुपए के मार्जिन मनी के उपयोग करके एक वर्ष के अंदर 52,912 इकाइयाँ स्थापित हुई हैं और 4,06,780 व्यक्तियों के लिए रोजगार इस योजना के माध्यम से पीएमईजीपी के माध्यम से साल भर के अंदर ये सृजित हुआ है, 3 वर्ष के अंदर 11 लाख। खादी के उत्पादन के प्रश्न पर 811.08 करोड़ रुपए 2013-14 में थे, बढ़कर के 1600 करोड़ रुपए 2016-17 में हुए। बिक्री जो हुई है 10.81.04 करोड़ 2013-14 में थे, 2005 करोड़ रुपया 2016-17 में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। ये खादी के उत्पादन का है। खादी ग्रामोद्योग जो विलेज इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, वो विलेज इंडस्ट्री में 31 मार्च 2017 तक 1,84,44 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। हमारे यहाँ कायर इंडस्ट्री है, कायर इंडस्ट्री को भी हम काफ़ी डेवलप कर रहे हैं, वो केरला कर्नाटक तमिलनाडु ये इलाके आंध्र उड़ीसा ये सारे इलाके स्टेट्स इससे संबंधित हैं, वेस्ट बंगाल भी है उसके अंतर्गत। उस कायर के अंदर भी 1,476 करोड़ रुपए से बढ़कर जो 2013-14 में था उसके मुकाबले में 2,222 करोड़ रुपए 2016-17 में हुआ है। कायर उद्योग में 8 लाख रोजगार तक सृजन हुआ है और उसमें 80% महिलाएं रहती, आज 7.21 ऐसे करके है, लेकिन सब मिला के 8 लाख तक का रोजगार का सृजन का स्वरूप है। 3 वर्षों में मंत्रालय ने
761,000 से ज़्यादा व्यक्तियों का प्रशिक्षण दिया है, जिसमें 494,885 जो ट्रेनीज हैं वो प्रौद्योगिक केंद्रों से हैं, टेक्नोलॉजिकल सेंटर से हैं, और उनके जरिए हुए हैं, और 88,000 कौशल विकास योजना के माध्यम से पाठ्यक्रमों के आधार पर उनको ट्रेनिंग दी गई है, और उसमें अधिकांश किसी ने स्वयं का उद्यम लगाया है, और ज़्यादातर जो हमने डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ओनली फॉर इंडस्ट्री के लिए लॉन्च किया पहले, उसके माध्यम से जहाँ भी रजिस्ट्रेशन हुआ है उस आधार पर उनका प्लेसमेंट होता जा रहा है। मंत्रालय की योजनाओं से इससे 20,00,000 जो अभी ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह हैं इनके माध्यम से 20,00,000 इकाइयों को फायदा हुआ है। जो बजट का आवंटन है, बजट का आवंटन 2016-17 में 3,000 करोड़ रुपए था, वो 2017-18 में 216% बढ़ा है, और वो बढ़ करके 6,482 करोड़ हो गया है। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि वित्तीय वर्ष इसमें जो पहले दो महीने हैं 31 मई 2017 तक कुल आवंटन 28% का हुआ है, जिसमें 1816 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हमारे यहाँ क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम है, इस स्कीम्स के जरिए से नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं, जिसमें डिज़ाइन के लिए टेक्नोलॉजी आती है, लीन टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी क्वालिटी अपग्रेडेशन आता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आता है, इसके अंदर CLCSS के माध्यम से भी हम धन व्यय किए हैं। 2014-17 के बीच में CLCSS के तहत 16,304 जो इकाइयाँ हैं उनको 1,027,82,00,000 की सब्सिडी जारी की गई। ये एक अच्छी स्थिति का निर्माण हुआ है। हमने कुछ टेक्नोलॉजिकल सेंटर सिस्टम पूरे देश भर में चलाए हैं, जिनके माध्यम से पहले जो हमने आंकड़े बताए ट्रेनिंग की वो होता है, वह 18 टूल रूम्स हैं। इस बार विश्व बैंक के मदद से 15 टूल रूम्स और खुल रहे हैं, और जिसमें से 9 की शिलान्यास हो गया है, 4 बिल्कुल शिलान्यास के क्रम में हैं और 2 अभी विवाद में हैं, एक अरुणाचल में और एक जम्मू कश्मीर में, वो अभी विवाद में हैं, बाकी के लगभग सभी होगा, और उस टूल रूम्स के कारण हमें काफ़ी लाभ होगा। और इस टूल रूम्स के द्वारा जो 16-17 में ट्रेनिंग हुई है, ये 494,885 लोग ट्रेन किए जा चुके हैं, और 1,03,469 जो MSME यूनिट्स हैं उनको लाभ प्राप्त हुआ है। पहले ये हमारे जो ग्रामोद्योग उत्पादन का है उसमें 25,298 करोड़ रुपए 2013-14 से बढ़कर इस समय जो हुआ है 50,000 करोड़ रुपए 2016-17 हो चुका है, इसमें 1,33,00,000 से अधिक व्यक्तियों को का रोजगार सृजित हुआ है। पिछले 3 वर्षों में निमिष में हमारा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज निमिष में है, उसमें 5,290 हमारी व्यावसायिक ट्रेनिंग आयोजित किए गए, जिनके जरिए से 1,72,213 युवाओं को ट्रेनिंग किया गया, और पिछले 3 वर्षों में जॉब मेला लगाए गए और जिसमें से 44,449 व्यक्तियों को एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हुआ और 26,630 लोग स्वरोजगार, इतने लोगों को स्वरोजगार के लिए अपना उद्योग लगाने के लिए सहायता प्रदान की गई। इसमें 49 इंटरनेशनल व्यावसायिक ट्रेनिंग के लिए जो आए थे उनको दिया गया था, 86 देशों से 1,026 पेशेवर लोग उसमें ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए आए थे। मूल रूप से इस प्रकार से हमारा कार्यक्रम चल रहा है, आपके पास हमने दिया है, उसको आप पूरा पढ़ करके जैसा भी आपको लगे
हमें अपने प्रश्नों के द्वारा फीडबैक देने का प्रयास करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद मंत्री महोदय। वील स्टार्ट द क्वेश्चन एंड आंसर्स नाउ। वी आर 205 उधर उधर। कलराज जी, आपका जो मंत्रालय है उसके ऊपर डीमोनेटाइजेशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। अभी जो आपने रोज़गार के आंकड़े बताए हैं, क्या नोटबंदी के बाद उस पर कुछ फ़र्क आया था? ये पहले के आंकड़े हैं। और दूसरा ये कि 3 साल बाद जो विपक्ष है वो जॉबलेस ग्रोथ की बात कर रहा है। अगर इतने ज़्यादा रोज़गार मिले हैं तो फिर क्या ये जो अब नए आंकड़े आ रहे हैं कि रोज़गार सही से नहीं मिल पाया वो गलत है, और आप संतुष्ट हैं इन आंकड़ों से? देखिए, डीमोनेटाइजेशन के कारण प्रारंभ में कठिनाई गई थी, इसमें कोई संदेह नहीं, कमी आई थी। लेकिन 2-3 महीने के बाद क्रमशः जो भी हटाए गए थे, छोटे छोटे उद्यमियों की तरफ से लोग बाहर गए थे, वो क्रमशः आना शुरू कर गए। और केवल आना ही नहीं तो उद्यमियों ने और भी लोगों को लगाना शुरू किया, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद हमने सब लोगों की मीटिंग भी ली थी, और बाद में मैं स्वयं और हमारे अधिकारीगण और हमारे मंत्रीगण, हम सब लोगों ने जगह जगह प्रवास भी किया था, चर्चा भी की थी। प्रारंभ में कठिनाई गई थी, अब हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं जा रही है और लोग उसको कर रहे हैं। जहां तक हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की, ये जो मैंने आपको आंकड़े दिए हैं इसका प्रत्यक्ष रूप से जाकर आप देख भी सकते हैं, तथ्य से परे नहीं है। और इसलिए चूंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसलिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर होने के कारण जो बाकी का आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से सारी चीज़ों से, शायद वो आंकड़े तो नहीं होंगे, लेकिन ये हमारे आंकड़े हैं, और आंकड़े वो हैं जो हमने करके दिखाया है। उदाहरण के तौर में आपको बताना चाहता हूँ, जो हमने जॉब फेयर लगाया, जॉब फेयर में इतने लोगों को नौकरी लगी। मैं स्वयं अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 जॉब फेयर लगाए। देवरिया मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, जल्दी लोग जाने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन कंपनीज गई और उसमें पहली बार लगभग 8,000 लोगों ने इंटरव्यू दिया, जिसमें 1,169 लोग इंप्लॉय किए गए। दूसरी बार हमने केवल टेक्निकल जो पढ़ाई किए थे उन लोगों की उसके लिए जॉब फेयर लगाया, जिसमें 3,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, 2,800 लोगों ने इंटरव्यू दिया और 415 लोग नियुक्त किए गए। इसी तरह दावणगिरी में भी जॉब फेयर किया था, लगभग वहाँ भी 2,500 लोगों को नियुक्ति हुई। इस प्रकार की जो नियुक्तियाँ होती हैं इसमें नहीं जोड़ा जाता। कठिनाई ये है, हमारे मंत्रालय के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हुई हैं। हमारे यहाँ जैसे आर्टिजन्स हैं खादी, उसमें काम कर रहे हैं, उनको नहीं जोड़ा जाता है, आते हैं लोग लगते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट सृजन करने के लिए हर स्तर पर काम हुआ है। छोटे उद्यमियों को आगे बढ़ने की दृष्टि से हमने सिंप्लीफिकेशन जो सारी चीज़ें की है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत, उससे लाभ लोगों ने उठाया है। बाकी ये जो विरोध करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ वो तथ्यों से परे हैं, और मैं कह सकता हूँ कि धरती पर जाकर उसको देखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। यस सर, एक जो मुद्दा होता है सूक्ष्म और लघु उद्योग के साथ, कि स्वरोजगार की जब बात होती है तो ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है, सरकार ट्रेनिंग देती है, लेकिन जो कारीगर हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में जरदोजी का काम होता है या हथकरघे का काम होता है, उनके साथ बाजार की समस्या होती है, साथ ही उन्हें चीन जैसे देशों से कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, तो इसके लिए क्या प्लान है? हमने हमारे मंत्रालय में मार्केटिंग के दृष्टि से हम उनको सहयोग प्रदान करते हैं, और जो भी फेयर लगाता है, एग्जीबिशन लगाता है, उस दृष्टि से भी हम उसको अनुदान प्रदान करते हैं। जो बाहर जाता है एग्जीबिशन में उसको भी हम पूरा किराया देते हैं। हर प्रकार से उनको प्रोत्साहित करने का हमारे तरफ से प्रयास होता है, और इसलिए जैसे एमएसएमई के द्वारा, जो छोटे उद्यमियों के द्वारा जो निर्माण विनिर्माण से उत्पाद है, सामान है, उसके विक्री के लिए जो सीपीसीयूज हैं और स्टेट पीसीयूज हैं, इन सब लोगों को मैंडेटरी है कि 20% आपको खरीदना पड़ेगा उनका सामान, और खरीदना पड़ेगा उनके लिए टर्नओवर की बात नहीं की जाएगी, उनके लिए अर्नेस्ट मनी की बात नहीं की जाएगी, L1 + 15%। और पहले दिक्कत जाती थी, लेकिन अब वो कर रहे हैं। वो कहते हैं, पीसीयूज कहता है भाई हमारे अनुरूप नहीं तैयार हो रहा है, तो हमने कहा वेंडर डेवलपमेंट की दृष्टि से वेंडर्स का उस तरह से ट्रेनिंग करो, उसके हिसाब से बात कराओ। ये सारी चीज़ें प्रक्रियाएँ शुरू हो गई हैं और वो बड़ी तेजी से चल रही हैं। यस मैडम,
मैं आता हूँ सर, जीएसटी के बारे में आपसे पूछना था कल, क्या आपको लगता है कि जो जीएसटी जीएसटी रेट्स एमएसएमईज के लिए लाभप्रद होंगे, क्योंकि कुछ सेक्टर्स को ये भय है कि उनका प्रोडक्ट्स जो हैं वो तो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, तो फिर लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को जिनके ऊपर हायर टैक्स स्लैब लगा है, तो क्या आपके पास कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आया है? आप क्या सोचते हैं कि जीएसटी एमएसएमईज के लिए? देखिए, हमारे पास ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन तो नहीं आया है, लेकिन माल लोग ठीक पैदा करें, माल तैयार करें, इसके लिए रेटिंग भी होती है, इसके लिए सारी समय समय पर उसका मॉनिटरिंग भी होती है। और मैं समझता हूँ माल आता है तो मार्केटिंग प्रदान करने का प्रयास होता है। अब किसी का माल नहीं बिक रहा है तो इसलिए क्या कर सकते हैं। मंत्री जी, आपने अपने उसमें कहा है कि स्कीम फॉर लेदर और फुटवियर के लिए आप एक नई कार्य योजना लेके आ रहे हैं, अभी तक शायद ये उद्योग इसमें शामिल नहीं है। सर, मैं इधर हूँ। लेदर एंड फुटवियर उद्योग को भी आप इसमें लेके आ रहे हैं। आपने कहा है कि बहुत जल्द ये स्कीम लॉन्च होगी। ये ऑलरेडी लेदर उद्योग, आप जानते हैं, आप खुद उत्तर प्रदेश के हैं कि आगरा और कानपुर इस तरह के जिले और बंगाल में काफ़ी बहुत बड़ी मात्रा में छोटे छोटे उद्यमी काम करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि आप स्कीम लेके आ रहे हैं। कब तक ये स्कीम शुरू होगी? मुझे लगता है कि लोगों से उसके दृष्टि से एक काउंसिल भी है और उसमें और अभी आप बता रहे हैं DIPP ने लॉन्च किया है, हालांकि वो हमारे उसमें नहीं था। हम उनके लोगों को अपने साथ रखते जरूर हैं रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, हमारे MSME बोर्ड में हैं मेंबर, तो अपनी बात कहते हैं, तो जिस भी स्तर पर हो सकता है उसको कराने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आपकी सरकार ने एक योजना स्टार्ट की थी स्टार्टअप इंडिया, उसके तहत ऐसा दावा किया था कि 10,000 करोड़ के आसपास दिए जाएंगे जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो और पार्टियां जो डेटा जारी कर रही हैं वो काफ़ी कम है, करीब 6 करोड़ के आसपास ही है जो दावे किए जा रहे हैं कि दिए गए हैं पैसा। क्या कहेंगे सर? देखिए, स्टार्टअप तो सही बात है कि हमारी मिनिस्ट्री में नहीं है, तो भी हमने इनोवेशन के आधार पर काम करने की जो लोग प्रोजेक्ट ला रहे हैं उसमें एक अटल इनोवेशन मिशन करके है, जिसमें 10,000 करोड़ की बात है, उस माध्यम से जरूर स्टार्टअप्स को मदद किया जा रहा है और स्टार्टअप्स आ रहे हैं। हमने अपने मंत्रालय में स्कीम बनाई है और उस स्कीम का नाम है ये स्कीम फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप एस्पायर। उसके लिए हमने काम किया है और उसमें किया है लाइवलीहुड इंक्यूबेशन सेंटर, टेक्निकल बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, पहले कम था, इस समय हमारी 56 की योजना हुई है जिसमें 25 प्रारंभ हुए हैं, चल भी रहे। सर, मैं smepost.com से हूँ। सर, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन SMEs की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आपकी सरकार ने पिछले 3 सालों में इस पर बहुत कुछ काम किया है। कई सारे देशों से जो प्रतिनिधि आए उनसे आप लोगों ने समझौते भी किए, जैसे ब्रिटेन से प्राइम मिनिस्टर आई थी तो उनसे बात हुई थी। तो सर, इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर, इसमें मंत्रालय कहाँ तक पहुँचा है और कब तक इसका रिजल्ट और आउटपुट दिखने लगेगा? देखिए, हमने पहले ही बताया अपने उसमें जो क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम है, उस क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी के आधार पर हम लगातार लोगों को अनुदान भी दे रहे हैं। रिनोवेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल रिनोवेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रहा है और उसी आधार पर एजेंट सर्टिफिकेशन बात चल रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि लगभग 1,307 करोड़ रुपया उसमें खर्च किया है और 14,000 यूनिट से लाभान्वित हुई हैं, ये कर रहे हैं। बाकी का जो MOU का सवाल है, MOU तो बहुत सारे देशों से हुई है और उन देशों से होने के बाद, जैसे हम मॉरिशस से हुई थी, मॉरिशस में गया था, मॉरिशस की एक मीटिंग यहाँ हुई हमारी, मॉरिशस दूसरी मीटिंग वहाँ हुई और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात उसमें आई है, दोनों जगह सेंटर्स बनाने की बात आई है, क्योंकि अब जब तक फॉर्मल उसका डिक्लेरेशन ना हो तब तक कहना उपयुक्त नहीं होगा, लेकिन ये हम कर रहे हैं। हम यहाँ पब्लिक पार्टिसिपेशन के हिसाब से भी कर रहे हैं। अभी जैसे आज सैमसंग के आधार पर हमने एक MOU किया है, उनका भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, इलेक्ट्रॉनिक की दृष्टि से लोग बाकायदे ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनका प्लेसमेंट भी हो रहा है, अलग भी हो रहा है और अच्छी स्थिति पैदा हो रही है। यस मैडम, आप। या गुड आफ्टरनून सर, आई एम फ्रॉम SME पोस्ट। सर, प्रभात कुमार कमेटी ने रिसेंटली MSMEs को बढ़ावा देने के लिए कई सारे सजेशंस आगे रखे हैं, जैसे कि MSME लैंड बैंक या फिर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नेशनल MSME एसोसिएशन बनाना। तो इस पर आगे मंत्रालय क्या विचार रखती है और किस तरह से इसको आगे ले जाना चाहती है? प्रभात कुमार जी ने उसको प्रस्तुत कर दिया है और उसको हम लोगों ने विचार भी किया है। एक ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई थी, आपको पता होगा,
तो ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज के अंतर भी ये बात तय हुई है कि एमएसएमई के बारे में, पॉलिसी के बारे में भी आपस में विचार करते हुए एक चर्चा हो, तो उसके लिए एक इनफॉर्मल कोई मीटिंग बनी सुनिश्चित हुई है, उस पर चर्चा होकर वो कमेटी के रिपोर्ट और कुछ उसमें संशोधन करना होगा, तो संशोधित करके या बढ़ाकर जैसा भी होगा इसको जल्दी लाया जाएगा आगे रिपोर्ट। सर, इसमें कोई टाइमलाइन फिक्स की गई है? जल्दी आएगा, अभी मीटिंग हो जाएगी, शुरू हो जाएगा। नमस्कार सर। इधर सर, एक मिनट, वन मिनट मैडम, यू हैव टू आस्क। धन्यवाद। आप सर, जीएसटी कारोबार के तौर तरीके पूरी तरीके से बदलने वाला है। जो बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने तो टैक्स कंसल्टेंट्स की सेवाएं ली हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनकी तैयारियों को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये पूरा टेक्नोलॉजी पर मूव होगा और छोटे बिजनेस के लिए कमज़ोर कड़ी रही है, आप कैसे देखते हैं 1 जुलाई के लिए? क्या वो आपको पूरी तरह तैयार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सारे कंप्यूटराइज भी नहीं है स्मॉल बिजनेसेस? देखिए, इसमें जो जीएसटी सामान्य रूप से जनरल तौर पर लोगों को फ़ायदा है, लेकिन उसके जो स्लैब्स हैं 12%, 18%, 28%, इसके कारण कुछ लोगों को अपने अपने तरीके से उस चीज़ों को इंटरप्रेट करके कह रहे हैं, बता रहे हैं। वो ठीक है, वो विचार करेंगे वित्त मंत्री जी, बाकी के लोग करेंगे, उन्हीं पर रिप्रेजेंटेशन गया है। और बाकी का जो एमएसएमई का 20 लाख तक का जो किया है, 1.5 करोड़ का तो एक्साइज ड्यूटी का एग्जेम्पशन था, वो 20 लाख तक के यूनिट के ऊपर का जीएसटी लागू होगा ऐसा उनका कहना है। तो मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ चीज़ें आ रही हैं, उसको देख करके समुचित तौर पर विचार करके आवश्यकता लगी तो जहाँ कठिनाई हो रही है उस पर विचार करेंगे, नहीं तो चालू होगा और प्रारंभ हो जाने के बाद सारी चीज़ ठीक होगी। यस मैडम, नाउ यू सर। सर, आपने 20% प्रोक्योरमेंट की बात कही, उस 20% में से 4% SC ST एंटरप्रेन्योर से मैंडेटेड है। डिक्की का डेटा है कि सिर्फ 0.3% ही प्रोक्योर होता है, तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर रहे हैं SC ST एंटरप्रेन्योर्स के लिए? ये बात सही है कि उसमें SC ST का जैसा जाना चाहिए 4%, वो नहीं हो पाता है, इसीलिए SC ST हब के माध्यम से उसको प्रभावी तौर पर कराने का प्रयास किया गया है। स्वयं हमारे सेक्रेटरी ने बागी ने जो मीटिंग ली थी PCUs के साथ, उसमें इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है कि 4% को भी हम खरीदें। और कुछ लोगों ने शिकायत की PCUs ने कि साहब कोई SC ST दिखता नहीं है, तो कहा गया आप हमें बताइए, हम देने के लिए तैयार हैं। उस हिसाब से एक जो हमारी कमेटी बनी है कुमली साहब के नेतृत्व, जो आप बता रही हैं डिक्की वाले के, तो वो भी अपना लोकेट कर रहे हैं, उसमें जो भी आ रहे हैं क्रमशः धीरे धीरे 4% को और आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। इस बात के कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, जो SC ST हब है उसमें मार्केटिंग को विशेष हम जोड़ दे रहे हैं, उस मार्केटिंग के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। यस प्लीज। कलराज जी, 3 साल पूरे हुए हैं मोदी सरकार के, इसमें मंत्रालयों के साथ साथ मंत्रियों के परफॉर्मेंस को भी कई एजेंसियों ने ऑडिट किया है। आपके मंत्रालय के बारे में और आपके बारे में जो रिपोर्ट आई है वो उतना संतोषजनक नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस को कम करके आंका गया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया इसलिए नहीं व्यक्त करूंगा, मुझे इस बात का संतोष है कि प्रामाणिकता ईमानदारी से काम करता हूं, समर्पित भाव से काम करता हूं। अब आपको जैसा आंकड़ा हो कहा को भैया हमने इतना काम किया है देख लो, अगर खराब लगता है तो बता दो, वो आंकना आपको है किस आधार पर आंकते हैं, कौन सा पूर्वाग्रह है या लाइकिंग डिसलाइकिंग है या उसको ऐसा कर दो वैसे कर दो, ये तो उसके ऊपर है जो आंकने वाला है। हम काम कर रहे हैं, अब मैं संतुष्ट हूँ अपने काम से, और इतना काम हुआ है मैं तो आपको कहता हूँ जाकर पता कर लो भैया। इसीलिए मैंने प्रारंभ में ही कहा अपनी बात कहने के बाद कि आप लोग सवाल, मैं आपके सवाल को सवाल नहीं मानता हूँ, मैं इसको फीडबैक मानता हूँ, मैं फीडबैक मानता हूँ कि आप ये कर रहे हैं तो हमारे लिए फीडबैक का काम करेगा, हमें लगेगा कि हाँ ये कुछ गड़बड़ हो रही तो उसे ठीक करें, तो हम तो ये सारी चीज़ ले रहे हैं। तो मैं तो कर रहा हूँ और मैं प्रामाणिकता ईमानदारी से कर रहा हूँ, समर्पण से कर रहा हूँ, टीम भाव से कर रहा हूँ। जिसको कहना कलराज जी एकदम निकम्मे, भैया निकम्मा हूँ ठीक है हम तो कर रहे हैं मिश्रा जी, खादी को घर घर तक पहुँचाया जाए प्रधानमंत्री का सपना है, पिछले 3 वर्षों में इसमें कहाँ तक प्रयास किया गया है? और दूसरा, NSIC सेंटर जो चल रहा है आपका इनोवेशन सेंटर, उसमें कितने लोग ट्रेंड हुए पिछले 3 वर्षों में? देखिए, खादी के अंदर हमने पहले ही आपको आंकड़े बताए कि खादी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है, बिक्री में भी बढ़ोतरी हुई है
और रोजगार सृजन में भी बढ़ोतरी हुई है। विलेज इंडस्ट्री जो खादी जिसको खादी आयोग के अंतर्गत किया जाता है उसके अंदर भी बढ़ोतरी है, तो इसमें जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ट्रेनिंग का हम कई सिस्टम चलाते हैं। अब एक RSET है हमारे खादी के अंदर ट्रेनिंग देता है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूट करके है, तो उस माध्यम से काफ़ी लोग ट्रेड कर रहे हैं। और PMGP को हमने ऑनलाइन कर दिया है, और ऑनलाइन कर देने के कारण KVIC, KVIB, DIC ये बकायदे ऑनलाइन अप्लीकेशन लेंगे, वो भर देंगे, वेरीफाई कर देंगे। महीने में एक दिन मीटिंग होगी ही, पहले नहीं होती थी, और उसके अंदर लोग ट्रेंड होते जा रहे हैं और ट्रेंड होने के साथ साथ उनको इंडस्ट्री भी लगा रहे हैं। हमने कितने ट्रेंड हुए ये सब आपको हमने आंकड़ों के सहित बताया है। NSIC का जहाँ से सवाल है, NSIC के माध्यम से भी हमने बताया कि फाइनेंशियल फैसिलिटेशन सेंटर हमने खोला है, वेब पोर्टल है, उस वेब पोर्टल से वो लाभ उठा रहे हैं। रॉ मटेरियल है 6 लाख मेट्रिक टन उन्होंने बकायदे रॉ मटेरियल दिया है लोगों को, तो वो और उनका जब भी मार्केटिंग की बात आती है वो कॉन्शियस के आधार पर भी करते हैं, जो टेंडर वगैरह का होता है उसमें दिलवाने का प्रयास करते हैं, तो लगातार काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उस माध्यम से चीज़ें खादी के NSIC के हर तरीके से चल रहा है। मैं प्रोफेसर DS अग्रवाल, मेरा व्यू दूसरा है कि जब से आप इस प्रश्न पूछ लीजिए प्लीज। नहीं प्रश्न पूछ रहा हूँ, नहीं तारीफ कर रहा हूँ कि जब से आपने ये मंत्रालय संभाला है SME के लिए, छोटे उद्योगों के लिए जितना आपने काम किया इससे पहले किसी ने नहीं किया है। और लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है जो आप शायद सुन भी रहे होंगे कि NGT है जो सुपर बॉस है, जगह जगह वो उद्योगों को सील कर रहे हैं, आज भी शायद आपने पढ़ा होगा। इसके लिए आप क्या प्रोटेक्शन है? पूरे स्टेट्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उद्योगों को वो सब लगाने की अनुमति मिल जाती है लेकिन बाद में NGT उसको रोक देता है और जो चलने वाले उद्योग हैं उनको भी बंद कर रहा है, तो उसका क्या लाभ होगा? इससे ग्रोथ रुक जाएगी। धन्यवाद। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंडस्ट्री या MSME मूलतः राज्य विषय होने के नाते NOC के बारे में, पावर के बारे में, पानी के बारे में वो विचार करते हैं, वो करते हैं। जहाँ भी इस बार की समस्या खड़ी होती है उसका समाधान निकालने के लिए हमारे कोऑर्डिनेशन के आधार पर हम उसको कराने का प्रयास करते हैं। जहाँ इस बार की समस्या है प्रदूषण हो सकता है तो है, हमने इसी प्रकार का कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए पहली बार जब से मिनिस्ट्री बनी है तब से पहली बार ये मीटिंग हुई सभी मिनिस्टर्स की, इंडस्ट्री सेक्रेटरी की, यदि पूरा चर्चा हुई। और आपको जानकर प्रसन्नता हुई, जब से मैं मिनिस्टर हुआ हूँ पता कर लीजिए MSME बोर्ड जो बना था एक या दो मीटिंग होती थी, हमने 5-6 मीटिंग कर डाली है। उन लोगों के इंटरेक्शन के माध्यम से हमें लाभ मिलता है और ये NGT की समस्या जो है जहाँ समाधान होने लायक रहती होता है, नहीं होने लायक रहती है बताया जाता है भाई इसको ऐसे नहीं ऐसा करो तो ठीक होगा। उसमें कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स के माध्यम से हम कहीं कहीं ट्रीटमेंट प्लान भी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्वायरमेंट मंत्रालय से भी पैसा दिलवाते हैं और भी जगह से जहाँ देने की स्थिति पड़ती है दिलवा रहे हैं, कई जगह किया त्रिपुर वगैरह में हमने किया है, तो ये करने का हमारी तरफ से प्रयास है। एनी मोर क्वेश्चंस? If there are no questions, then we'll conclude this press conference. I thank the Honorable Minister for his presence and time and other dignitaries on the dais. Thank you, friends. Please join us for tea on 4th floor. Bahut bahut dhanyawad aap sab logon ko sahab.